जमीनी विवाद के चलते रिश्तेदार दे रहे हैं फोन पर धमकी। नामजद शिकायत के बाद भी कराल पुलिस नहीं कर रही है कार्यवाही। खबर कराहल से है, जहां मेहरवानी निवासी रामजी लाल कुशवाहा से उनके छोटे बेटे के ससुराल वाले जमीन हथियाना चाहते हैं। आए दिन उनसे झगड़ा करते हैं और उनकी झूठी शिकायत भी कराहल थाने में कर जाते हैं। अब तो नौबत यहाँ तक आ गई है कि झगड़े के डर से ना तो वो अपने गाँव जा रहे हैं और ना ही अपने खेतों की फसल में पानी दे पा रहे हैं, जिससे उनकी फसल बर्बाद होने की कगार पर है। बता दें कि 3 से 4 दिन पहले उन्हें फोन पर भी धमकी दी गई थी कि हिम्मत है तो खेत में आकर दिखाओ, नहीं तो तुम्हारे घर आकर देखते हैं। हम इस धमकी के डर से रामजी लाल कुशवाहा अपने परिवार सहित कराहल थाने में आकर बैठ गए थे। इसकी लिखित शिकायत रामजी लाल कुशवाहा कराहल TI से भी की और उन्होंने धमकी भरी रिकॉर्डिंग भी सुनवाई। लेकिन 3 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने संबंधित लोगों पर कार्यवाही तो बहुत दूर की बात है, उन्हें कराहल थाने बुलाने तक भी मुनासिब नहीं समझा। कहीं ना कहीं अब फरियादी बहुत परेशान हो चुका है और उसे डर है कि कहीं उनके यहाँ या उनके परिवार के साथ कोई घटना घटित ना हो जाए या उनके किसी झूठे मामले में ना फंसा दिया जाए। यदि कोई कार्यवाही अब कराहल पुलिस नहीं करती है तो मजबूरन उन्हें अपनी शिकायत जिला कलेक्टर संजय कुमार से करने की बात कही। वहीं इस मामले में जब कराहल TI से बात की गई तो उन्होंने बताया कि बीट प्रभारी छुट्टी पर थे, अब आज ही इस मामले को दिखवाकर विधिवत कार्यवाही करने की बात कही है। आपका रामजीलाल, गांव का नाम मेहरवानी, रामजीलाल कुशवाहा। रामजीलाल जी, आप कराल थाने में किस लिए आए हो? कराल थाने में मेहरवानी मेरे गांव है तो मोड़ा की ससुराल वाली मुझ का आज धमकी दे रहे हैं मारने की। आपको मारने की धमकी दे रहे हैं? मारने की धमकी दे रहे हैं, तुम जे आओ गांव में कहीं, और गांव में मेरी फसल नष्ट हो रही है पूरी, गेहूँ और नछाना पूरे, और गाँव में बुला रहे हैं मारने की धमकी दे रहे हैं। बच्चा की ससुराल वाले हैं, बंटवारे के ऊपर भी धमकी दे रहे हैं। मतलब बंटवारे को लेकर? हाँ, बंटवारे को लेकर। तो और 2 साल पहले मैंने बंटवारा कर दिया। तो आपको क्यों धमकी दे रहे हैं? मोड़ा की गिनने से एक्सीडेंट हो गया, दिमाग दिमाग ने एक शॉट है, अब बन की बन फी। कौन का एक्सीडेंट हो गया? बच्चा का, मेरे 2 बच्चा थे, छोटे बच्चा को एक्सीडेंट हो। अच्छा। तो आप कोटा इलाज कराया मैंने। अच्छा। अब तब से नेक बाग दिमाग शॉट है, मतलब उनका दिमाग सही काम नहीं कर रहा। सही काम नहीं कर रहा, अब जे अपनी अपनी चला रहे हैं ससुराल बारी। मैंने 2 साल पहले बंटवारा भी कर दिया, अब भी मेरे खेतन में नष्ट हो रही है धमकी देने है मानने की, तो मेहरबानी आओ। वो आपको धमकी क्या घर पर आकर दे रहे हैं या फोन पर दे रहे हैं? फोन पर धमकी दे रहे हैं कि मेहरबानी आओ तुम। मैं थाने में भी रिपोर्टिंग सुना गया, रिपोर्ट कर गया, 3 दिन हो गए मेरे गेहूँ नष्ट हो रहे हैं, फसल नष्ट हो रही है, तो खेतन की कैसे बच्चा बच्ची न पालेंगे। तो थाने में आपने आवेदन दिया तो क्या किया था, पुलिस क्या कर रही है? कि हम बुलवाएंगे, अब 3 दिन हो गए और भी लगातार धमकी दे रहे हैं मानने की। अच्छा, 3 दिन पहले आपने आवेदन दिया तो अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई? कोई कार्रवाई नहीं की, अब भी मानने की धमकी दे रहे हैं, फसल नष्ट हो रही है, हम कराल में डरे हैं। 3 दिन हो गए मन ने इंतजार करते करते, और बैंक फसल नष्ट हो रही है भाई, और बेकार धमकी दे रहे हैं अभी कि आओ मेहरबानी आओ तुम पानी दे भी आओ, क्यों नहीं आ रहे अब और नहीं हम यहीं आ रहे हैं तुम्हारे कहीं, ऐसे धमकी दे रहे हैं मन का ससुराल वाली मोड़ा। तो अभी आप क्या चाहते हैं इस मामले में? हम जे चाहते हैं कि हम बेकार थे तो हमने प्लस जट बुला लेते हैं, और अब हम 3 दिन से बेकार धमकी दे रहे हैं भाई, अब प्लस कोई कार्रवाई नहीं कर रही, अब नहीं कर पा रही, 3 दिन हो गए मेरी फसल नष्ट हो रही है, तो ही कहते हैं कि मैं कलेक्टर के SP के जा रहा हूँ, अब कोई रास्ता नहीं है। आप यहाँ सुनवाई नहीं होती? नहीं होती सुनवाई, प्रशासन के पास जाएंगे जना, और खा करो तो दो कहते हैं नष्ट हो रही फसल, बच्चा बच्ची कह कब आऊँ, 6 बच्ची हैं, बच्चा के एक हैं, अब बिना कहे पा लें गेहूँ गुजरे जाते हैं, बेकार धमकी दे रहे हैं, आओ पानी दे, क्यों नहीं आ रहे कहते पे भाई आ रहे नहीं। आपको लगातार धमकियाँ मिल रही हैं मानने की। क्या नाम है आपका? जगदीश कुशवाहा सर। जगदीश जी, क्या ये कौन है बाबा जो आए हैं? जी मेरे पिताजी हैं सर। क्या मामला है? मामला जी है सर के छोटे भैया के ससुराल वाले हैं, वो धमकी दे रहे हैं मारने की, और खेत में बुला रहे हैं कि पानी दे भी नहीं आ रहेगा, और नहीं हम वहीं आएंगे फिर तुम्हारे यहाँ मारने के लिए, धमकी दे रहे हैं सर। क्यों दे रहे हैं वो धमकी आपको? वो धमकी ये दे रहे हैं कि मेरे छोटे भैया का एक्सीडेंट हो गया था, उसका दिमाग चल गया, 2 साल पहले का बटपन कर हुआ था, ट्रैक्टर जो भी आते हमारे पास तो आधा आधा कर दिया था, उसके बाद में फिर भी अब ऑब्जेक्शन ले रहे हैं सर 2 साल पहले की बंटवार रोक करके, और अब ससुराल वाले वाके छोटे भैया के ऑब्जेक्शन ले रहे हैं सर। मतलब कहीं ना कहीं आपकी ज़मीन हथियाना चाहते हैं? हाँ, अपनी ज़मीन है पूरी, ये लेन चाह रहे हैं भाई, अब आओ तुम ज़मीन पे पानी दे भी आओ गेहूँ पे कहीं, तब बता गेहूँ अच्छा ना दोनों खेतन में सूखो डलो है, आप पुलिस ने कोई जानकारी नहीं ली आज जाके, और 3 दिन हो गए सर, उनका आवेदन लगता है तो तुरंत हमको बुला लेती है पुलिस।
अच्छा, बहुत शिकायत करते हैं तो पुलिस आपको बुला लेती है? जी हाँ। लेकिन आपने शिकायत की तो पुलिस उन्हें नहीं बुला? कोई नहीं आ रहा साहब, 3 दिन हो गए कोई जानकारी नहीं मिली। मेरे पापा अकेले हैं, 2 भाई हैं, आदि ने दाब धोस दी है तो उनका कोई बात दात हो गई तो कौन जवाबदार होगा सर? पुलिस तो जवाबदार हो ही नहीं रही, वो पकड़ने ही नहीं आ रही, ना बुला रही उनको, तो इनका ये धमकी देने का जवाब दो हमें कि क्यों दे रहे हैं वे धमकी का कारण है, और उसका कुछ हो गया कोई बात दात हो गई, 60 से ऊपर की साल है सर, 96 आदमी हैं, उनका कोई मैटर नहीं है, वो ज़बरदस्ती धमकी दे रहे हैं सर। तो अभी आप क्या चाहती हैं? थाने में आए हैं सर तो TI साहब, ना दरोगा साहब, कोई कार्रवाई नहीं है उनके पास, हम ये चाहते हैं कि कार्रवाई करें, हम TI के हैं, आज फिर जा रहे हैं दोबारा, अभी TI साहब करते हैं कोई कार्रवाई तो ठीक है, नहीं SP कलेक्टर के हैं, शिवपुर जिले में जाएंगे सर।